हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और अल्लाह के रहमो फजल से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और कैसे चल रहे हैं आप लोगों के रमज़ान? माशाल्लाह, हमारे रमज़ान बहुत अच्छे चल रहे हैं, और देखते देखते बिना किसी वीडियो के माशाल्लाह 20 रमज़ान हो चुके हैं। 20 रमज़ान के बाद ये 21वां रमज़ान का मेरा वीडियो है, जो साथ साथ दो वीडियो में लगातार छोटे मोटे से बना लूँगी, क्योंकि रमज़ान में 2 किड्स के साथ सारा अकेले मैनेज करना, वीडियो मुझसे तो बिल्कुल भी बनाए नहीं जाते, जबकि माशाल्लाह वही रोज़े हैं, अफ्तारी है, और पहले से ज़्यादा अच्छे मेरे पास कंटेंट हैं वीडियोस के, रेसिपी के, शॉपिंग के, हर चीज़ के। लेकिन अल्लाह जाने इतनी थकान और इतना हेक्टिक वाले दिन गुजर रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं पाता। और माशाल्लाह थोड़ी सी प्यारी सी क्लिप मेरी अम्मी और मेरी जहरा की है, वो थोड़ी देर के लिए घर गई थी तो वो मम्मी के पास चली गई थी, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, और जैसे ही उसने मुझे देखा वो कूद के वापस मेरे पास आ गई। उसके बाद हम मिल मिला के घर वापस आ गए थे। तो आज हम आपको अपनी चमचमाती हुई फ्रिज दिखा रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से मैंने इसको साफ़ नहीं किया था। तो अब जैसा कि 20 रमज़ान हो चुके हैं, तो अब ईद के भी कोई ख़ास दिन नहीं बचे, देखते देखते ये भी गुजर जाएंगे। तो ईद का बहाना था और फ्रिज को साफ़ करना था, तो फ्रिज हमने धो दी थी, अच्छे से इसको साफ़ कर दिया था। और आप ये जो छोटी लड़की देख रहे हैं, ये मेरी अनाया की दोस्त भी है, हमारे पड़ोसी भी हैं, और अनाया के साथ साथ इसकी बॉन्डिंग मुझसे भी अच्छी है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, अपनी फ्रिज को दिखा रही थी, तो ये मेरी हेल्प कर रही थी थोड़ा सा इसको सेट करने में और ऑर्गेनाइज करने में। तो मैं इसका थोड़ा सा वीडियो बना रही थी और अपनी फ्रिज को दिखा रही थी। देखिए, क्लीन होने के बाद कितनी साफ़ लग रही थी, और अनाया बोल रही थी कि आज ऐसा लग रहा है कि हमारी फ्रिज नई है। और माशाल्लाह थोड़ा बहुत दिन का काम होते होते अफ्तारी का भी वक्त हो गया था, तो आज दस्तरखान पे आपको दिखाते हैं। पहले तो बिरयानी की 2 वैरायटी हैं, एक जो सिंपल सी कम मिर्च की है और एक तीखी मिर्च वाली है, और शरबत फ्रूट्स। और ये देखिए, आज हमारे अफ्तारी में माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे शीरमाल और कुलचे भी हैं, जो मुझे लगता है अधिकतर लोगों को पसंद ही होंगे, मुझे तो बहुत पसंद है। तो आज हमारे दस्तरखान पर कुलचे और शीरमाल भी है, और साथ में गोश्त भी था। उसके बाद आपको ये अगले दिन का वीडियो मिल रहा है, अफ्तारी वगैरह हो गई थी। अगले दिन तो मैंने थोड़ा पूड़ी और कबाब बनाए थे, तो पहले सोचा कि इसका वीडियो बनाएंगे, लेकिन कबाब सारे बन गए और याद ही नहीं रहा कि वीडियो भी बनाना है। तो लास्ट टाइम पे जब मैं पूड़ियाँ सेक रही थी, यानी कि इनको तल रही थी, तो फिर मैंने फ़ोन उठा के सोचा थोड़ा सा वीडियो भी बना लेते हैं। और आजकल तो बस यही है, दिन में तो कुछ बनता नहीं है, लेकिन हाँ, अफ्तारी के लिए थोड़ा सा जल्दी ही काम शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि बच्चे किसी टाइम सो रहे हैं या किसी चीज़ में बिज़ी हैं, तो चलो जल्दी से अपना काम निपटा लेते हैं। और मगरिब के वक्त से पहले ही हमारा सारा जो दस्तरखान है वो तैयार हो जाए, क्योंकि रमज़ान में है ना, थोड़ा सा पहले हो जाना चाहिए, ताकि हम दस्तरखान पे बैठ के, इतना मुबारक महीना है, अल्लाह से सारी दुआएं मांगे, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, और अल्लाह पाक से जो भी दुआ उस टाइम हम करें, अल्लाह कबूल करता है इंशाल्लाह। तो ये जो खाना है, मैं कोशिश करती हूँ, अफ्तारी है मेरी, थोड़ी सी जल्दी बन जाए, और मैं इंशाल्लाह माशाल्लाह बना भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे अज़ान हो रही हो और तब मैं किचन से दस्तरखान पे दौड़ूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरी सारी चीज़ें कम से कम 10 या 15 मिनट पहले रेडी हों, और हम लोग दुआ मांगने के लिए दस्तरखान पे बैठे हों। और वैसे भी कई दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि रमज़ान में मैंने सिर्फ एक वीडियो अपलोड किया था, मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। मैं सोचती हूँ कि चलो आज वीडियो बनाते हैं, कल वीडियो बनाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, जबकि मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली छोटी सी है, लेकिन वो चाहती है कि मैं अपने रेगुलर वीडियो अपडेट करूँ आपके साथ। Blah, 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 blah.
तो माशाल्लाह आपने देखा अभी कि अनाया और जहरा मेरी बच्चियां आपस में कितना ज़्यादा माशाल्लाह खेल रही थी। रोज़ा अफ्तार के बाद थोड़ा सा जो मगरिब के बाद से इशा के बीच का टाइम होता है तो वो लोग आपस में खेलती हैं, उसके बाद थक हार के सो जाती हैं। और उसके बाद आपको मैं ये मिलती हूँ अगले दिन 10 या 11 10 या 11 का टाइम हो रहा था। तो यहाँ देखिए जहरा की क्या कारिस्तानी, जहरा ने सारी दवाइयाँ उठा के नीचे रखना, नीचे से ऊपर रखना, फिर उनको सो सुलाना, उनको लिटा रही थी और लगातार वो ये पढ़ भी रही थी जैसे मैं उसको सुलाती हूँ ना, अल्लाह अल्लाह सो जाए, तो उनसे कह रही थी शीशियों से अल्लाह अल्लाह सो जाए। माशाल्लाह कितनी क्यूट हरकतें हैं ना, ये उम्र होती है ऐसे। सबसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी मुझे लगता है इस उम्र में ही होती है, जब कोई फिक्र, कोई टेंशन, किसी से कोई हसद, कोई जलन, किसी की कोई होड़ नहीं होती, सिर्फ अपनी ज़िंदगी है। खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, अल्लाह का शुक्र है। ये लाइफ मुझे, ये ज़िंदगी का जो पल है ना, सबसे ज़्यादा अनमोल मुझे लगता है यही बच्चों के ही होते हैं, जिन जो कोई छल कपट नहीं होता। और अब वो उठ के जाएगी अपने अप्पी के कमरे में, यानी कि दूसरे वाले रूम में, जहाँ अप्पी इनकी अनाया जो हैं वो अपने पापा के साथ थोड़ा सा टाइम गुजार रही हैं। और ये एसी से लटकती है थोड़ा सा, उसके बाद ये कमरे में आएगी। तो यहाँ अनाया के अब्बा कुछ फ़ोन में कर रहे थे, शायद गेम मेरे ख्याल से, हाँ खेल रहे थे। तो अनाया यहाँ समझ रही थी उनके सर पर बैठकर, और मुझसे कह रही है कि वीडियो इस में दिखाओ कि पापा क्या कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही माशाल्लाह दिन गुजर रहे हैं, और अल्लाह पाक इस रमज़ान के महीने में सबकी मुश्किलें आसान कर दें, सबके मसले हल कर दें, जिसको जो परेशानियां हैं, जो जायज़ मुरादें हैं, अल्लाह पाक उन्हें पूरी कर दे और सबको अच्छी अच्छी नेक नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बस मेरा आज बिल्कुल छोटा सा व्लॉग है, थोड़ी आपसे बातें कर ली, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आई होप आपको भी मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, रमज़ान की खूब सारी मुबारकबाद।